तो अभी जो गाड़ी हम दिखाने जा रहे हैं ये है अल्टो। तो अभी नेक्स्ट गाड़ी जो हम 2011 दिखाने जा रहे हैं जिसकी आप लोग सबसे ज़्यादा डिमांड करते हो मारुति 800। तो अभी नेक्स्ट गाड़ी जो हम दिखाने जा रहे हैं ये एक्सेंट। अभी जो गाड़ी मैं दिखाने जा रहा हूँ आपको ये है इंडिगो। हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स, कैसे हो सब? मैं हूँ तस्लीम और आप देख रहे हो आपका अपना तस्लीम। तो दोस्तों, आप लोग काफ़ी दिनों से कह रहे थे कि भाई लखनऊ के अंदर किसी कार बाज़ार की वीडियो बनाओ जहाँ पे हमें हमारे बजट में गाड़ियाँ मिल जाए। तो आज की वीडियो में दिखाने वाला हूँ आपको 800 दिखाने वाला हूँ। इधर देख सकते हो यहाँ पे इंडिगो लगी हुई है दो, और इधर एक्सेंट लगी हुई है जो कि 85,000 रुपये की आपको मिल जाएगी। तो वीडियो पूरी लास्ट तक देखना, आपके बजट में गाड़ियाँ मैं इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ, और पूरी वीडियो देखा करो भाई। बाद में आप लोग बोलते हो कि भाई ये नहीं बताया डिमांड कितनी है, तो पूरी वीडियो देखो, आपको सारी डिटेल उसमें मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये जो गाड़ी मैं दिखाने जा रहा हूँ ये है मारुति 800, जिसकी आप लोग सबसे ज़्यादा डिमांड करते हो कि भाई मुझे लर्निंग पर्पज़ के लिए गाड़ी चाहिए। तो ये गाड़ी आप देख सकते हो, बट ये गाड़ी 1995 की है, 1995 की। तो गाड़ी आप देख सकते हो, बट लर्निंग पर्पज़ के लिए अगर आप लेना चाहते हो तो आपके बजट में ये गाड़ी आप ले सकते हो। यहाँ पे आके देख सकते हो यहाँ पे गेट की कंडीशन, इंटीरियर गाड़ी का। तो लर्निंग पर्पज़ के लिए अगर आप लेना चाहते हो तो ये गाड़ी आपके लिए आप ले सकते हो। यहाँ पे आके सीट्स की कंडीशन देख सकते हो। और इस गाड़ी की अगर हम डिमांड की बात करें तो इसकी डिमांड है 30,000 रुपये, जो कि निगोशिएबल है, फिक्स प्राइस नहीं है। तो अभी नेक्स्ट गाड़ी जो हम दिखाने जा रहे हैं जिसकी आप लोग सबसे ज़्यादा डिमांड करते हो मारुति 800, ये देख सकते हो, ये 2010 का मॉडल है, 29,000 किलोमीटर चली हुई है ये गाड़ी। बाकी आप गाड़ी की प्रोफाइल देख सकते हो यहाँ पे, 2010 का मॉडल है, LPG फिटेड कंपनी से। और इस तरफ से भी मैं दिखा देता हूँ आपको, ये पूरी गाड़ी है। बाकी अभी मैं अंदर से आपको गाड़ी का इंटीरियर दिखाता हूँ। ये चली हुई है 29,000 किलोमीटर, इंटीरियर आप गाड़ी का देख सकते हो यहाँ पे। और फिर आप बोलोगे भाई इतनी गाड़ी कम चली है, तो मैं बता दूं भाई जो मीटर में दिखाता है मैं वही बताता हूँ, या फिर जो ऑनर बताते हैं यहाँ पे। तो इस गाड़ी की अगर हम डिमांड की बात करें तो इसकी डिमांड है 1,10,000 रुपये, जो कि निगोशिएबल है, फिक्स प्राइस नहीं है। तो अभी नेक्स्ट गाड़ी जो हम दिखाने जा रहे हैं ये है सेंट्रो, 2004 का मॉडल है ये, और 70,000 किलोमीटर चली हुई है। आप गाड़ी की प्रोफाइल देख लो पहले, ये है पूरी गाड़ी। और इस साइड से भी मैं दिखा देता हूँ, बाकी मैं अंदर से आपको गाड़ी दिखाता हूँ अभी, गेट की कंडीशन आप देख सकते हो यहाँ पे, इंटीरियर गाड़ी का आप देख सकते हो, 2004 का मॉडल है, फर्स्ट ऑनर ये भी है। सत्तर हज़ार चली हुई ये गाड़ी है, फर्स्ट ऑनर पेट्रोल है। और बाकी इस गाड़ी की अगर हम डिमांड की बात करें तो इसकी डिमांड है 80,000 रुपये, जो कि निगोशिएबल प्राइस है, फिक्स प्राइस नहीं है। तो अभी नेक्स्ट गाड़ी जो हम दिखाने जा रहे हैं ये भी है 800, 2009 का मॉडल है ये गाड़ी, आप देख सकते हो, कंपनी फिटेड LPG है इसमें, 62,000 किलोमीटर चली हुई। ये गाड़ी आप इस तरफ से गाड़ी की प्रोफाइल देख सकते हो, काफ़ी अच्छी कंडीशन है इस गाड़ी की, 2009 का मॉडल है, फर्स्ट ऑनर। तो इधर से भी आप देख सकते हो पूरी गाड़ी की प्रोफाइल, अभी मैं अंदर से दिखा देता हूँ, गेट की कंडीशन देख सकते हो यहाँ पे, इंटीरियर गाड़ी का 2009 मॉडल है, कंपनी फिटेड LPG, 62,000 किलोमीटर चली हुई। और सीट्स की कंडीशन देख सकते हो यहाँ पे, बैक सीट्स भी दिखा देता हूँ मैं। तो इस गाड़ी की अगर हम डिमांड की बात करें तो इसकी डिमांड है 90,000 रुपये, जो कि निगोशिएबल है, फिक्स प्राइस नहीं है। तो अभी जो गाड़ी हम दिखाने जा रहे हैं ये है अल्टो, 2011 का मॉडल है, 63,000 किलोमीटर चली हुई ये गाड़ी है। बाकी मैं आपको गाड़ी दिखाता हूँ,
ये पूरी गाड़ी आप देख सकते हो, अल्टो LXi पेट्रोल है ये, 2011 का मॉडल। आप गाड़ी की पहले पूरी प्रोफाइल देख लो और उसके बाद मैं अभी अंदर से गाड़ी दिखा देता हूँ आपको। गेट की कंडीशन आप देख सकते हो, इंटीरियर गाड़ी का आप देख सकते हो इधर, तो 2011 का मॉडल है और फर्स्ट ऑनर गाड़ी है ये पेट्रोल। अल्टो की आप लोग काफ़ी ज़्यादा डिमांड कर रहे थे और 63,000 किलोमीटर ये गाड़ी चली हुई है। बाकी सीट्स की भी कंडीशन आप यहाँ पे देख सकते हो और बाकी बैक की सीट्स मैं दिखा देता हूँ। बैक सीट्स आप देख सकते हो इधर, तो ये पूरी गाड़ी। और इस गाड़ी की डिमांड की अगर हम बात करें तो इसकी डिमांड है 1,60,000 रुपये, जो कि निगोशिएबल प्राइस है, फिक्स प्राइस नहीं है। अभी नेक्स्ट गाड़ी जो हम दिखाने जा रहे हैं ये है Zen LXi 2 पावर विंडो और ये 2005 का मॉडल है। गाड़ी आप देख सकते हो, इसमें दो पावर विंडो हैं, फर्स्ट ऑनर गाड़ी है ये भी, 2005 का मॉडल। और गाड़ी की प्रोफाइल आप देख सकते हैं यहाँ पे। अभी मैं इंटीरियर दिखाता हूँ गाड़ी का। गेट्स की कंडीशन आप देख सकते हैं यहाँ पे, दो पावर विंडो है इसमें Zen LXi। और यहाँ पे देख सकते हो इंटीरियर गाड़ी का। और ये गाड़ी जो चली हुई है यहाँ पे दिखा रहा है जो हमें 17,805 किलोमीटर दिखा रहा है यहाँ पे। और सीट्स की कंडीशन यहाँ पे देख सकते हो, बैक सीट्स भी देख सकते हो। और इस गाड़ी की अगर हम डिमांड की बात करें तो इसकी डिमांड है 90,000 रुपये, जो कि निगोशिएबल है, फिक्स प्राइस नहीं है। नेक्स्ट गाड़ी जो हम दिखाने जा रहे हैं ये एक्सेंट 2004 का मॉडल, ये पूरी गाड़ी है 2004 का मॉडल है, फर्स्ट ऑनर गाड़ी है। बाकी टायर्स की कंडीशन यहाँ पे देख सकते हो आप, अंदर से मैं दिखा देता हूँ आपको गाड़ी। गेट की कंडीशन यहाँ पे देख सकते हो आप, इंटीरियर गाड़ी का तो काफ़ी बेहतरीन कंडीशन में ये गाड़ी आपको यहाँ पे मिल जाएगी और सस्ती भी पड़ जाती है अगर आप लर्निंग पर्पज़ के लिए लेना चाहते हो तो। और कंडीशन इस गाड़ी की अगर हम बात करें तो काफ़ी अच्छी है और जो भी प्राइस मैं बता रहा हूँ सारे निगोशिएबल हैं, फिक्स प्राइस कोई भी नहीं है। यहाँ पे देख सकते हो आप, ये गाड़ी जो चली हुई है 52,000 किलोमीटर ये गाड़ी चली हुई है। बाकी बैक सीट्स भी यहाँ पे देख सकते हो आप, सीट्स की भी कंडीशन काफ़ी अच्छी है। फर्स्ट ऑनर गाड़ी है और इस गाड़ी की डिमांड की अगर हम बात करें तो इसकी डिमांड है 85,000 रुपये, जो कि निगोशिएबल है, फिक्स प्राइस नहीं है। तो अभी नेक्स्ट गाड़ी जो हम दिखाने जा रहे हैं ये होंडा सिटी 2002 का मॉडल है ये। और गाड़ी आप पूरी देखो, आगे से भी मैं गाड़ी की प्रोफाइल दिखा देता हूँ आपको। दो हज़ार दो का मॉडल है, 72,000 किलोमीटर चली हुई गाड़ी है। बाकी मैं अभी अंदर से इंटीरियर दिखा देता हूँ आपको, टायर्स की कंडीशन भी देख सकते हैं यहाँ पे। तो गेट की कंडीशन यहाँ पे देख सकते हो आप, इंटीरियर गाड़ी का, तो ये गाड़ी जो चली है यहाँ पे देख सकते हो 76,000 किलोमीटर,
2002 का मॉडल है ये होंडा सिटी। सीट्स की भी कंडीशन यहाँ पे देख सकते हो आप, बैक सीट्स भी। तो इस गाड़ी की अगर हम डिमांड की बात करें तो इसकी डिमांड है 1,00,000 रुपये, जो कि निगोशिएबल है, फिक्स प्राइस नहीं है। इस गाड़ी जो हम दिखाने जा रहे हैं ये है सेंट्रो 2005 का मॉडल, 68,000 किलोमीटर चली हुई है, CNG फिटेड है। तो प्रोफाइल देख सकते हो आप गाड़ी की, दो हज़ार पाँच का ये मॉडल है। और कंडीशन आप गाड़ी की देख सकते हो काफ़ी अच्छी है और आपके बजट में भी है गाड़ी। तो आज मैं काफ़ी गाड़ियां दिखा रहा हूं जो आपके बजट में, आप लोग बोल रहे थे कि भाई कम रेंज वाली गाड़ियां दिखाओ, तो आज मैं कोशिश कर रहा हूं कि कम रेंज वाली भी गाड़ियां दिखाऊं। और टायर्स की कंडीशन यहाँ पर देख सकते हो आप, गेट की कंडीशन यहाँ पे देख सकते हो, इंटीरियर गाड़ी का। तो काफी अच्छी कंडीशन में ये गाड़ी आपके यहाँ पे मिल जाएगी। सीट्स की कंडीशन देख सकते हो, बाकी आप चेक करके तब ले जाओ यहाँ से। और इस गाड़ी की डिमांड की अगर हम बात करें तो इसकी डिमांड है 1,05,000 रुपये, जो कि निगोशिएबल है, फिक्स प्राइस नहीं है। तो अभी जो गाड़ी मैं दिखाने जा रहा हूँ आपको ये है इंडिगो। इंडिगो के लिए भी आप लोग काफ़ी ज़्यादा बोल रहे थे कि भाई इंडिगो गाड़ी दिखाओ। तो ये गाड़ी देख सकते हो 2012 का मॉडल है ये, और गाड़ी की प्रोफाइल यहाँ पर देख सकते हो आप, फर्स्ट ऑनर गाड़ी है। इस साइड से भी आप गाड़ी की प्रोफाइल देख सकते हो, टायर्स की भी कंडीशन यहाँ पे देख सकते हो। तो ये 2012 का मॉडल है, और अभी मैं अंदर से दिखा देता हूँ आपको गाड़ी। गेट की कंडीशन आप यहाँ पे देख सकते हो, और ये गाड़ी चली हुई है जो 67,000 किलोमीटर, इंटीरियर गाड़ी का देख सकते हैं यहाँ पे। बाकी जब आओ तो एसी वगैरह आप पूरी तरह चेक करके तब ले जाओ, और चाहो तो आप मैकेनिक भी ला सकते हो, गाड़ी चेक करा सकते हो। सीट्स की कंडीशन यहाँ पे देख सकते हो, बैक सीट्स भी। तो इस गाड़ी की अगर हम डिमांड की बात करें तो इसकी डिमांड है 1,65,000 रुपये, जो कि निगोशिएबल है, फिक्स प्राइस नहीं है। नेक्स्ट गाड़ी जो हम दिखाने जा रहे हैं ये भी है इंडिगो TDI, 2013 का मॉडल है ये, 65,000 किलोमीटर चली हुई ये गाड़ी है। बाकी प्रोफाइल आप गाड़ी की देख सकते हो, काफ़ी अच्छी कंडीशन में है और फर्स्ट ऑनर गाड़ी है। टायर्स की कंडीशन यहाँ पे देख सकते हो आप, तो इससे पहले जो मैंने दिखाई थी वो भी थी इंडिगो ही, और ये 2013 का मॉडल है, इससे पहले वाली 2012 का मॉडल थी। अभी मैं अंदर से दिखा देता हूँ, गेट की कंडीशन यहाँ पे देख सकते हो आप, इंटीरियर गाड़ी का। पैंसठ हज़ार किलोमीटर चली हुई है ये गाड़ी। सीट्स की कंडीशन यहाँ पे देख सकते हो आप, तो काफ़ी अच्छी कंडीशन में ये गाड़ी यहाँ पे आपको मिल जाएगी। बाकी जब आप आओ तो चेक करके ले जाओ। फ़ोन नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप कॉल भी कर सकते हो कोई डिटेल अगर चाहते हो तो। और इस गाड़ी की अगर हम डिमांड की बात करें तो इसकी डिमांड है 1,60,000 रुपये, जो कि निगोशिएबल है, फिक्स प्राइस नहीं है। तो अभी जो गाड़ी मैं दिखाने जा रहा हूँ ये है वैगनार 2008 का मॉडल। वैगनार की भी आप लोग काफ़ी ज़्यादा डिमांड कर रहे थे कि भाई वैगनार गाड़ी दिखाओ। तो ये है वैगनार 2008 का मॉडल, LPG फिटेड है ये, और गाड़ी की आप कंडीशन देख सकते हो, प्रोफाइल, टायर्स की भी कंडीशन यहाँ पे देख सकते हो आप, और
اندر سے بھی میں دکھا دیتا ہوں گیٹ کی کنڈیشن، یہاں پہ دیکھ سکتے ہو آپ انٹیریئر گاڑی کا، یہ بھی 65,000 کلو میٹر چلی ہوئی ہے، ایل پی جی فٹیڈ ہے، 2008 کا ماڈل، اور سیٹس کی بھی کنڈیشن یہاں پہ دیکھ سکتے ہو، اور اس گاڑی کی اگر ہم ڈیمانڈ کی بات کریں تو اس کی ڈیمانڈ ہے 1,60,000 روپے، جو کہ نیگوشیبل ہے، فکس پرائس نہیں ہے۔ نیکسٹ گاڑی جو ہم دکھانے جا رہے ہیں یہ بھی ہے ویگن آر، 2009 کا یہ ماڈل ہے، اس سے پہلے والی یہ 2008 کا ماڈل تھی اور یہ 9، تو اس میں ایل پی جی بھی تھی، اس میں ایل پی جی نہیں ہے، صرف پیٹرول ہے، یہ 2009 کا ماڈل، 63,000 کلو میٹر چلی ہوئی یہ گاڑی ہے۔ باقی آپ گاڑی کی پروفائل دیکھ سکتے ہو یہاں پہ، 2009 کا ماڈل ہے، ٹائرس کی بھی کنڈیشن یہاں پہ دیکھ سکتے ہو آپ، ترسٹھ ہزار کلو میٹر چلی ہوئی ہے، اور یہاں پہ گیٹ کی کنڈیشن دیکھ سکتے ہو آپ، انٹیریئر گاڑی کا، 2009 کا ماڈل ہے یہ، سیٹس کی کنڈیشن یہاں پہ دیکھ سکتے ہو آپ، صرف یہ پیٹرول ہے، اس میں ایل پی جی نہیں ہے، ترسٹھ ہزار کلو میٹر چلی ہوئی ہے گاڑی، 2009 کا ماڈل، اور اس گاڑی کی اگر ہم ڈیمانڈ کی بات کریں تو اس کی ڈیمانڈ ہے 1,70,000 روپے، جو کہ نیگوشیبل ہے، فکس پرائس نہیں ہے۔ تو ابھی نیکسٹ گاڑی جو ہم دکھانے جا رہے ہیں یہ ہے کروز، 2012 کا ٹاپ ماڈل، سن روف کے ساتھ، بھائی کتنی چلی ہے؟ 56,000 کلو میٹر یہ گاڑی چلی ہوئی ہے۔ باقی میں پروفائل آپ کو دکھاتا ہوں، یہاں پہ بیک سے آپ دیکھ سکتے ہو یہ گاڑی، بہترین کنڈیشن ہے گاڑی کی، اور اس میں سن روف بھی ہے یہاں پہ، اور ٹائرس کی کنڈیشن آپ دیکھ سکتے ہو، ابھی میں اندر سے آپ کو گاڑی دکھاتا ہوں، گیٹ کی کنڈیشن یہاں پہ دیکھ سکتے ہو آپ، ٹاپ ماڈل ہے یہ، 2012 کا، انٹیریئر گاڑی کا دیکھ سکتے ہو، تو کافی بہترین کنڈیشن میں یہ گاڑی آپ کو مل جائے گی، اور سیٹس کی بھی کنڈیشن یہاں پہ دیکھ سکتے ہو، بیک سیٹس بھی دیکھ سکتے ہو یہاں پہ، اور اس گاڑی کی اگر ہم ڈیمانڈ کی بات کریں تو اس کی ڈیمانڈ ہے 3.5 لاکھ روپے، جو کہ نیگوشیبل ہے، فکس پرائس نہیں ہے۔ ابھی نیکسٹ گاڑی جو ہم دکھانے جا رہے ہیں یہ سوئفٹ وی ڈی آئی، 2015 کا ماڈل ہے یہ گاڑی، آپ دیکھ سکتے ہو سیکنڈ آنر گاڑی ہے، 67,000 کلو میٹر چلی ہوئی یہ گاڑی ہے، سیکنڈ آنر 2015 کا، اور گاڑی کی کنڈیشن آپ دیکھ سکتے ہو، پروفائل گاڑی کی، اس سائڈ سے بھی آپ گاڑی کی پروفائل دیکھ سکتے ہو، ابھی میں آپ کو انٹیریئر دکھا دیتا ہوں گاڑی کا، گیٹ کی کنڈیشن یہاں پہ دیکھ سکتے ہو آپ، سوئفٹ وی ڈی آئی 2015 کا ماڈل، سیکنڈ آنر گاڑی ہے، انٹیریئر گاڑی کا دیکھ سکتے ہو یہاں پہ، 67,000 کلو میٹر چلی ہوئی ہے، اور سیٹس کی بھی کنڈیشن دیکھ سکتے ہو، بیک سیٹس بھی دکھا دیتا ہوں، بیک سیٹس بھی دیکھ سکتے ہو یہاں پہ، ٹائرس کی کنڈیشن بھی دیکھ سکتے ہو۔ تو اس گاڑی کی اگر ہم ڈیمانڈ کی بات کریں تو اس کی ڈیمانڈ ہے 4,60,000 روپے، جو کہ نیگوشیبل ہے، فکس پرائس نہیں ہے۔ نیکسٹ گاڑی جو ہم دکھانے جا رہے ہیں یہ ہے امیز، 2013 کا ماڈل، گاڑی آپ دیکھ سکتے ہو فرسٹ آنر گاڑی ہے یہ، 2013 کا ماڈل، بھائی کتنی چلی ہے؟ 72,000 کلو میٹر چلی ہوئی ہے۔ باقی آپ گاڑی کی پروفائل دیکھ سکتے ہو پوری،
काफ़ी बेहतरीन कंडीशन है। बाकी टायर्स की भी कंडीशन आप यहाँ पे देख सकते हो। और अभी मैं अंदर से दिखा देता हूँ आपको गाड़ी। यहाँ पे गेट की कंडीशन आप देख सकते हो। इंटीरियर गाड़ी का 65,000 किलोमीटर चली हुई ये गाड़ी है। सीट्स की भी कंडीशन यहाँ पर देख सकते हो काफ़ी बेहतरीन है। बैक सीट्स भी आप देख सकते हो इधर। तो इस गाड़ी की अगर हम डिमांड की बात करें तो इसकी डिमांड है 3,75,000 रुपये, जो कि निगोशिएबल है, फिक्स प्राइस नहीं है। नेक्स्ट गाड़ी जो मैं दिखाने जा रहा हूँ ये है स्कॉर्पियो 2009 का मॉडल, 81,000 चली हुई है। बाकी आप प्रोफाइल देखो गाड़ी की। टायर्स की कंडीशन आप देख सकते हो। अभी मैं दिखा देता हूँ अंदर से भी एक बार गाड़ी आपको। ये पूरी गाड़ी है देख सकते हो, यहाँ पे बैक टायर्स भी। और अंदर से दिखा देता हूँ मैं आपको, गेट की कंडीशन देख सकते हो। इंटीरियर गाड़ी का, बाकी जब आप गाड़ी लेने आओ यहाँ पे, 81,000 चली हुई है, गाड़ी लेने आओ तो आप चेक करके ले जाओ भाई, क्योंकि मैं सिर्फ इंफॉर्मेशनल वीडियो बनाता हूँ कि कहाँ पे आपको गाड़ियाँ मिल जाएगी। मैं चेक करके नहीं बता रहा हूँ आपको कि गाड़ी कितनी अच्छी है। तो आप मैकेनिक भी ला सकते हो यहाँ पे, चेक भी करा सकते हो। सीट्स की भी कंडीशन यहाँ पे देख सकते हो, बैक सीट्स भी। तो इस गाड़ी की अगर हम डिमांड की बात करें तो इसकी डिमांड है 3,75,000 रुपये, जो कि निगोशिएबल है, फिक्स प्राइस नहीं है। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताना, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी तरह की वीडियोस मैं लेकर के आता रहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय, अलविदा, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, जय।